दोस्तों एक चीज है जो हम सब लोगों ने कई बार सुनी देखी और वो चीज ये है कि गौशाला जो है हमारे आसपास बार बार शब्द का उच्चारण होता है। आज न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम हम लोग आए हुए हैं गौशाला को एक्सप्लोर कर एंड वी विल टॉक अबाउट कि गौशाला आखिर है क्या, गौशाला में किस तरीके से गायों को रखा जाता है, गौशाला में किस तरीके से गायों का खान पान होता है, गौशाला में और क्या क्या होता है। उसके लिए बातचीत करने के लिए इस वक्त हम लोग आए हुए हैं हरिद्वार। ब्यूटी की क्या तारीफ करूं, आप खुद देख लीजिए इतना दृश्य जो है खुद में। यहाँ आते आते रास्ते बड़े संकरे थे, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें देखी हमने सड़कों पे, रास्तों में जिस तरीके के यहाँ पर घर थे वो अपने आप में नायाब थे, घर थे और घरों में हर घर में एक हमने अलग चीज देखी वो ये थी कि गाय थी हर घर में और इसके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी नहीं है लेकिन लोग फिर भी खुश हैं, बच्चे छोटे छोटे खुश खुश घूम रहे हैं लेकिन हाँ वो कितना पढ़े हैं कितना नहीं पढ़े हैं, दिस इज एन सीरियस इशू और इस पर गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए। वैसे मैं अभी फिलहाल बता दूं कि इस वक्त मैं कहां मौजूद हूं। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, ये बोर्ड है इस पर लिखा है श्री कृष्णायन देशी गौरक्षशाला ग्राम बसोचंदपुर गैडीखाना हरिद्वार। मोबाइल नंबर भी दिया गया है, मोबाइल नंबर है 8958942681 9760297027। तो इस गौशाला को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और हम लोग खुलकर बात करेंगे कि दरअसल गौशाला में किस तरीके से इन गायों को रखा जाता है। तो आज हम बात करेंगे खुलकर, ये प्रोग्राम सिर्फ एक चीज, अ डे इन अ गौशाला। सो लेट्स चेक इट आउट। आए हैं उनसे बात करते हैं जो यहाँ पर सब कुछ संभालते हैं, देख रेख करते हैं और सबसे जो मेन आदमी हैं, जो मेन व्यक्ति हैं वो यही हैं। तो महामंडलेश्वर स्वामी ईश्वरदास जी महाराज, स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। स्वामी जी सबसे पहले तो एक सबसे वाजिब सवाल, हम जब हरिद्वार में आए, हमने हरिद्वार में आके यहाँ पर खूबसूरती इसके बीच इतने अंदर आकर हमने देखा कि गौशाला और इतनी खूबसूरत गौशाला है यहाँ पर, कैसे इसका आप संभालते हैं, कितनी गाय हैं, किस तरीके से पूरी कार्यप्रणाली काम करती है, क्या कैसे है सब कुछ? इस उत्तराखंड की पावन भूमि हरिद्वार में पूरे विश्व से सनातन धर्मावलंबी इच्छा होती है कि माँ गंगा का दर्शन करें, गंगा स्नान करें और ये आध्यात्मिक नगरी में आने की सबकी इच्छा होती है और मानव मात्र के लिए पूरे हरिद्वार में रहने की व्यवस्थाएं, मनुष्य के लिए तो पूरी अच्छी व्यवस्थाएं हैं लगभग। और हरिद्वार उत्तराखंड की पावन देव भूमि में चारों धाम का ये प्रवेश द्वार है तो सुविधाएं थी, लेकिन गावो विश्वस्य मातरः, पूरे विश्व की अगर कोई माँ है तो गौ माता है। जो गौ माता हमारी जो ये सृष्टि है, एक सृष्टि की शरीर की एक रीढ़ होती है, वैसे इस सृष्टि को संचालन करने में चाहे वह भगवान का अवतार ही क्यों ना हो, भगवान राम हो कृष्ण हो, उनके अवतार की हेतु गौ माता है। ऐसी गौ माता की दुर्दशा प्रायः उत्तराखंड क्या पूरे देश में आपको देखने को मिल रही है। यह पीड़ा हमें और हमारे संतों को तो देखा हम लोगों ने, पूरे देश के लोग हरिद्वार में आकर के निवास करते हैं लेकिन गौ माता जो हमारे भारतीय संस्कृति की पहचान है उनकी दुर्दशा है। उस पीड़ा को देखते हुए हम लोगों ने एक बहुत छोटा सा प्रयास, अभी भी हमें संतुष्टि नहीं है, जब हम पूरे देश में जाते हैं तो गौ माता को देखते हैं तो बहुत पीड़ा होती है, उसमें एक छोटा सा प्रयास हम लोगों ने श्री कृष्णायन देशी गौरक्षशाला के नाम से स्थापना की 2011 में वैशाख अक्षय तृतीया, और लगभग 2011 से प्रारंभ होकर के इस उत्तराखंड की पावन भूमि से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक लगभग
15 से 16,000 गौवंश आज संरक्षित है संस्था के द्वारा। तो आपने कहा कि इतने दुर्गम क्षेत्र में आप क्यों आए, तो अभी तो आपको सारी व्यवस्थाएं यहाँ दिख रही है, पहले यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, सड़क नहीं थी, बिजली नहीं था, पानी तो गंगा मैया की देन है, लेकिन आवागमन का कोई साधन नहीं था। और ये क्षेत्र आपने बड़ी अच्छी तरह से देखा होगा, बहुत बातें मैं नहीं बताऊंगा। हमने गौ माता सुरक्षित रहे क्योंकि हजारों गौवंश है, उस गौवंशों के लिए घूमने के लिए, चरने के लिए, परिसर को सफाई के लिए ऐसी व्यवस्था चाहिए। तो लगभग हम जब ये प्रारंभ हुआ 2010 में, मैं अक्टूबर नवंबर से लगा था, दो तीन महीना पूरे हरिद्वार के क्षेत्रों को मैंने निरीक्षण किया। तो लगा कि हमें असुविधा हो वहाँ पहुँचने में, लेकिन गौ माता स्वतंत्र विचरण कर सके, रह सके, संस्थान। ठीक है स्वामी जी, आपने 2011 से इसकी शुरुआत की, 2011 में आपने जब शुरुआत की, फिर लोग इससे जुड़ते चले गए होंगे, तो जो पूरा सफर था वो कैसा रहा, इसके साथ ही जागरूकता के लिए क्या कुछ करा जाता है? जागरूकता के लिए हम लोगों ने, हमारे साथ देखिए कोई भी व्यवस्था अर्थ पर ही आधारित है, इतनी बड़ी गायों की सेवा के लिए भूसा, चारा, दाना, उनकी व्यवस्थाओं के लिए गौ माता जिससे सेवा लेना चाहती है उसे सेवा ले लेती है। एक अटूट ऐसा विश्वास मेरे मन में था, उस विश्वास के माध्यम से हमने जब गौशाला प्रारंभ की तो हमारे साथ में कुछ ऐसे महापुरुष संतों का सानिध्य था और आज भी है। हमारे संतों ने गौ माता की बहुत चिंता की और हम लोगों ने कोई ये चिंता नहीं की कि गौ माता आएंगी तो कहाँ उनको कैसे व्यवस्था होगी, क्योंकि देखिए एक नियम है कि आप जहाँ रहेंगे वहीं आपकी भोजन की व्यवस्था होगी, चाहे भारत छोड़ के अमेरिका चले जाइए वहाँ भी आपको मिलेगा। तो ये गाय माता कहीं और थी तब भी उनको भोजन मिल रहा होगा। व्यवस्था में थोड़ा ऊंचा नीचा हो सकता है कि आप थोड़ी व्यवस्था व्यवस्थित कर सकते हैं, कहीं अव्यवस्था हो सकती है, लेकिन भोजन मिलेगा, कम मिले या ज़्यादा मिले। तो यह विश्वास था, हम लोगों ने गौ माता को बचाने का ऐसा अद्भुत प्रयास में धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और गौ माता को शास्त्र में कामधेनु भी कहा गया और हमने इनके विश्वास को और इनके अंदर जो शक्ति है उस शक्ति को एहसास हमने किया कि जहाँ कोई व्यवस्था के लिए हमने सोचा नहीं, धीरे धीरे देश के गौ भक्त, गौ माता के प्रति आस्था जिनकी हुई और उस कामधेनु गौ माता से जो अपनी याचना की, गौ माता उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण की और गौ माता की सेवा निरंतर चल पड़ी और चल रही। आपको लगता है कि जो हमारी जो अभी की पीढ़ी है, जो हमारे युवा हैं, वो उदासीन से नज़र आते हैं, हमारी सांस्कृतिक जो विरासतें हैं उनको आगे ले जाने में उदासीनता क्यों है? ये मैं केवल बच्चों को दोष नहीं दूंगा, उसमें हम लोग का दोष है। हमारी जो वर्तमान मतलब संत समाज में आज भी जो ऊर्जा नजर आती है वो युवाओं में उस नहीं है, आना चाहिए। लेकिन देखिए कहीं भी संत भी आते हैं, बहुत लोग प्रश्न करते हैं महाराज आज अच्छे संत नहीं हो रहे हैं, प्रश्न उठता है अच्छे संत नहीं हो रहे हैं कहाँ से हो जाए भाई। किसी खेत में आप बीज डालते हैं, उसकी भूमि परीक्षण कराते हैं, उसमें अच्छा खाद डालते हैं, समय से पानी डालते हैं, तब उसमें फसल आती है। तो जब संस्कारहीन ही माता पिता हो जाएंगे, वो खेत ही बंजर हो जाएगा, तो उससे क्या चाहेंगे कि अच्छी फसल हो। तो हमें अपने आप को सुधारना है, हमें और लोग जो हैं हिंदुओं से सनातन धर्म और हिंदुओं से हट करके हैं, आप देखिए अपने धर्म के प्रति कितने कट्टर हैं, चाहे उनके छोटे बच्चे हों। आप एक तिलक करने के लिए, आपका बच्चा अगर तिलक कर लेता है, कलावा बांध लेता है, तो आप कहते हैं कि क्या तुम साधु बन जाओगे क्या? आप उसको मंदिर नहीं भेजने में आप संकोच करते हैं,
आप उसको जब स्वयं नहीं जाते हैं किसी मंदिर में तो बच्चा क्या जाएगा। आप जब स्वयं जाना शुरू कर देंगे, जिस दिन मंदिर में जाना शुरू कर देंगे, अपने आध्यात्मिक तीर्थ स्थलों में जाना शुरू कर देंगे, अपने बच्चों को ये बताएंगे कि बेटा ये पर्यटक नहीं है, ये तीर्थ स्थल है, तीर्थ की मर्यादा को जब हम स्वयं समझेंगे तब हमारे आने वाली पीढ़ी समझेगी। इसलिए हमें केवल बात कर दें हम नौजुवक, नौजुवक कहाँ से आए, हमारे बच्चे हैं, हमें सुधारना है। तो हम लोगों को, जो भी लोग हैं, उन लोगों को, माता पिता को स्वयं सतर्क होना चाहिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी जैसे गौ माता रोड पर घूमती है वैसे माँ बाप रोड पर घूमेंगे और घूम रहे हैं, ये कटु सत्य है। आपको लगता है इसकी शुरुआत हो चुकी है? बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आज भी जिस तरह से सरकार की बात करें तो अभी जो वर्तमान की केंद्रीय सरकार है, मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, तो काफ़ी हद तक गौवंश को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और हम कहते हैं सरकार पर ही क्यों निर्भर हो भाई, केवल एक सरकार को ही दूध थोड़े चाहिए, सबको दूध चाहिए, दूध तो सबके लिए हो सकता है। हम एक संकल्प करें कि हम कहीं भी रहे एक समूह में, मैंने कहा कि 10 लोग मिलके खोल लें, 20 लोग मिलके खोल लें, केवल आप दूध की दृष्टि से ही खोल लें कि हमें शुद्ध दूध पीना है। हम तो अपने महात्माओं को भी कहते हैं कि आप संकल्प कर लो कि हम गाय के दूध से ही दूध ही पान करेंगे, गाय का गोघृत ही पान करेंगे, गाय की रक्षा हो जाएगी। तो हमें सबको मिलकर के आगे आना होगा, कहीं भी जहाँ भी समूह में सेवाएँ हो रही है और गौशालाओं में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ही जुड़िए, किसी भी गौशाला में एक गाय गोद लीजिए, जाइए गाय की रक्षा कीजिए, महीने में जाइए, दो महीने में जाइए और वहाँ से जुड़िए। तब क्योंकि गायों को बचाना, गाय बचेगी तो पर्यावरण भी बचेगा। देखिए आज हमारे जो खेती है, हम अन्न जहर खा रहे हैं, सारे केमिकल खा रहे हैं, तो उस जहर से भी बचना हो तब भी हमें गाय बचाना होगा। बिल्कुल महाराज जी, हालांकि महाराज जी आपने इस बात को बता दिया, लेकिन फिर भी आपकी गौशाला बहुत खूबसूरत है, हमने पूरी देखी, उसके बाद जैसे कोई सामान्य व्यक्ति है उसके मन में अगर ख्याल आता है कि एक गौशाला मैं भी खोलना चाहता हूँ, लेकिन वो ख्याल वहीं दम तोड़ देता है कि तमाम चीज़ें वो देखता है कि इस संसाधनों की कमी हो जाती है, काफ़ी चीज़ों की कमी होती है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि मन में इच्छा है लेकिन उसको कर नहीं पा रहे? मन का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। पहले ही एक विद्यार्थी जब किसी छोटे क्लास में जाता है, अगर वो पहले सोच ले कि पढ़ाई में बहुत बड़ा बोझ है, होगा संसाधन कि नहीं होगा, अगर ये सोच करके प्लानबाजी हो जाएगा, विद्यालय नहीं जाएगा और माँ बाप उसको विद्यालय नहीं भेजेंगे, तो क्या जिस ऊँचाई पर वर्तमान में है कोई, क्या रहेगा? आप अगर शुरू में किसी भी बच्चे को सिखाया जाता है, आप हो चाहे हम, ये क ख घ ए बी सी डी सिखाया जाता है, तो भविष्य के गर्द में दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमें ये कार्य करना है। एक से नहीं हो, दो से करिए। हमने कभी नहीं सोचा था इतनी बड़ी संसाधन गौ माता सेवा हमसे ले सकती हैं। हमें विश्वास है कि जिस समय मैं गौशाला प्रारंभ करने के लिए निकला, न हमारे साथ कोई बहुत बड़ा समूह था, लेकिन आज जब विश्वास था, हमारे साथी भी कहते थे कि कहाँ तुम जंगल में जा रहे हो, मरने के लिए जा रहे हो, हताश लोग करते थे, लेकिन वही आज लोग कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा काम है, और सब लोग जुड़ गए साथ के साथ। तो किसी भी कार्य करने के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपको अकेले में लगता है तो आप अपने मित्रों के साथ और कार्य कर सकते हैं, तो आप आइए जुड़िए। रह गई, जब आप जुड़ेंगे तो स्वयं एक दो तीन चार दस ऐसे समूह जुड़ता जाएगा, आप निश्चित सफल होंगे। करें, शुरुआत करें। हमने कहा ना कि ठीक है आपके पास जगह नहीं, किसी गौशाला से जुड़ जाइए। आपके पास एक गाय की रक्षा करने के लिए गाय की रक्षा करिए, एक नंदी की कीजिए, एक बछड़ी का कीजिए। तो जब करेंगे, शुरुआत जब कर देंगे, एक करेगा दो करेगा, जब हमारे पास इतने गौवंश एक साथ तो आया नहीं, धीरे धीरे आया, 11 गायों से शुरू हुई गौशाला, आज 15-16 हज़ार सेवाएँ चल रही है, तो सब आप लोग के सहयोग से चल रही है। अच्छा, गायों की संख्या तो पता हो गई महाराज जी, बाकी आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, इनकी संख्या क्या होगी और किस तरीके से आपकी मदद करते हैं? देखिए हमारे यहाँ, मैंने कहा ना कि गो गोद अभियान मुख्य हमारा सूत्र है, तो हमारे यहाँ जैसे
संख्याएं बढ़ती जाती है तो हमारा प्रयास रहता है, लगभग हजारों लोग जुड़े हैं जो एक गाय गोद लेते हैं 2100 3100 और 1100 रुपए का, ऐसे संख्या है। सारा हमारा सब व्यवस्थित व्यवस्थाएँ होती है, उसके अनुसार गौ माता की सेवा होती है। कोई हरा चारा दे देता है, कोई भूसा दे दिया, कोई गाय के लिए दवा दे दिया, तो काफ़ी लोगों का सहयोग है और सब मध्यवर्गीय लोगों का सहयोग है। ऐसे भी लोग हैं कि जो 500 रुपये भी देते हैं, घर में किसी के यहाँ बर्तन धोते हैं, सफाई झाड़ू करते हैं, ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं और हर तरह के लोग जुड़े हुए हैं जिसका जो सामर्थ्य है, मतलब बूंद बूंद का भी साथ है आपके साथ। अच्छा महाराज जी, हालांकि मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता था, लेकिन हाँ, सरकार कितना महत्व रखती है? जैसे कि अभी मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, इसके बाद किसी और की सरकार आती है, अगर हम बीजेपी की सरकार में कहते हैं कि इस सरकार में गायों के लिए अच्छा काम किया जा रहा है, तो क्या हमको पूरा निर्भर उन्हीं पर रहना है, सरकारों पर, क्योंकि सरकारें बदल जाती हैं? मैं स्पष्ट बता देता हूँ, बहुत लोगों को लगता है, हम लोगों से भी बहुत लोग कहते हैं कि महाराज जी सरकार की व्यवस्था से आप गायों की सेवा नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, स्पष्ट है। ये आम जनता है, जो गौ प्रेमी जनता है, सनातन धर्मावलंबी है, उनके उत्साह से एक समूह से ही ये कार्य कर सकते हैं। सरकार का योगदान तो बहुत ना के बराबर होता है। अगर ये कोई सोच करके गौशाला सोचे कि हम खोलें, हमको सरकार अनुदान देगी, उससे हम गायों को भरण पोषण कर लेंगे, तो क्या देगी गाय? अभी पहले तो कोई सरकारें देती नहीं थी, अभी वर्तमान सरकार है तो गाय को 7 रुपया देती है, तो क्या 7 रुपया में गाय पल जाएगी? आप एक चाय नहीं मिलता है 7 रुपये का, 7 रुपये का एक चाय नहीं मिलती है, तो क्या गाय का पेट भर जाएगा? तो उससे तो गाय की सेवा नहीं होगी। लेकिन तब भी लेकिन ये चलो कुछ तो सहयोग, ना के बराबर कुछ जो भी सहयोग दे रही है सरकारें, तो धन्यवाद के पात्र है। लेकिन ये सोचे कि सरकार करेगी, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो या बसपा हो, कोई सरकार आपको गाय की सेवा के लिए अनुदान नहीं दे सकती है। योगी जी उत्तर प्रदेश में 30 रुपये दे रहे हैं, तो उनकी बहुत अच्छी पहल है कि सेवा करें। लेकिन सरकार के साथ आज भी मैं कह रहा हूँ कि अपने हम लोगों को निजी स्वार्थ छोड़ करके गायों के साथ जुड़ना होगा। हाँ, सरकार को मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार को बड़े बड़े गो अभ्यारण्य बना देना चाहिए और गायों को बचाने के लिए अंदर में सारी व्यवस्थाएं कर देनी चाहिए, जल की, भूसे की, चारे की, तो उसमें खर्च भी कम होगा और गाय भी सुरक्षित हो जाएगी। और गाय के गोबर से जो सरकारें और खादों पर सब्सिडी देती है, अगर ऑर्गेनिक खादों का बढ़ावा देती है सरकार विशेष रूप से, तो हमको लगता है कि गायों को बचाने में सरकार का कम खर्च भी होगा और आम पब्लिक गायों के प्रति झुकाव होगा। जब उसको आर्थिक लाभ होगा गाय के दूध से और गोबर से और गाय के मूत्र से, उनके प्रोडक्ट को सरकार बढ़ावा दे। अभी नितिन गडकरी जी ने कुछ दिन पहले कहा है कि हम गाय के गोबर से पेंट बनाएंगे, तो कह रहे हैं, लेकिन इसको जितना जल्दी हो, एक बहुत बड़ा मार्केट देश में खड़ा होना चाहिए और इससे गाय बचेगी। हाँ, कहीं जब गाय के गोबर का कीमत हो जाएगा तो लोग गाय को छोड़ेंगे नहीं, और गाय के दूध का उचित मूल्य मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए आज डॉक्टर लोग भी कह दिए गाय का शुद्ध देसी गाय का दूध पीजिए, तो इससे वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया कि उस गाय के दूध में जहर है और इस गाय के दूध में अमृत है। तो अमृत पान करने के लिए लोगों में भी जागरूकता होनी चाहिए कि हम जो बीमारी पर पैसा खर्च कर रहे हैं वो गाय पर करें और गाय से हम स्वस्थ हों और अपने खेती को भी स्वस्थ करें। किसान भी जो यूरिया के लिए मारामारी करता है वो अपने गाय के गोबरों का सदुपयोग करें, तो शुद्ध दूध भी मिले, शुद्ध अन्न भी मिले, और सरकार का सहयोग जरूरी है। यकीनन महाराज, कोशिशें भी हो रही हैं इसको लेकर कई जगह जगह। देखिए, हमने गौशाला की बात की, आपके सफ़र की बात की, राजनीति की बात की, अब पर्यावरण से संबंधित गौ रक्षा या गौ पालन करना पर्यावरण में हमें कैसे लाभ देता है? पर्यावरण में सबसे प्रथम लाभ आप देखिए, अभी जो मैं आपसे पूर्व बोल रहा था
कि हम जहर खा रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं गाय से, क्योंकि वो कृषि प्रधान देश बताया गया है भारत, वो कृषि प्रधान देश, तो हम यंत्र के खिलाफ नहीं है कि ट्रैक्टर क्यों आया, आधुनिक वस्तुएं क्यों आई, आनी चाहिए, लेकिन मूल रूप से गाय का इतना बड़ा पर्यावरण से महत्व है कि आपने देखा होगा बचपन में कि गाय के गोबर जहाँ भी पड़ता है वहाँ की भूमि जो है बहुत उपजाऊ हो जाती है, और उस गाय के गोबर से उत्पादित चाहे जो सब्जियाँ हो या अन्न हो, तो जैसे जंगल है, जंगल को भी पर्यावरण, जंगल रहेगा तो पर्यावरण शुद्ध होगा, तो हमारे वृक्षों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है गाय का गोबर, कि जंगल में गाय विचरण करे तो गाय की भी रक्षा होगी और जंगल की भी रक्षा होगी, तो गाय के गोमूत्र से, गोबर से वो औषधियाँ हैं, तो पृथ्वी के उर्वरा शक्ति को बढ़ाने की जो सामर्थ्य है, जो टिकाऊ, और खादों से तो तत्काल आपको उत्पादन मिल जाता है लेकिन कुछ वर्षों के बाद वो भूमि बंजर हो जाती है, बहुत पंजाब में देख लीजिए जिससे खाने से लोगों को कैंसर की बीमारियां फैलती जा रही है, बहुत आप लोग चैनल के माध्यम से दिखाते हैं कि इस सब्जियों में दिल्ली के गंदे नालों का पानी जा रहा है, उससे देखने में सब्जियां तो बहुत अच्छी होती हैं लेकिन वो जहर है, इसलिए उस जहर से बचना है तो गाय का गोबर अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए। ठीक है महाराज जी, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आखिरी सवाल महाराज जी, यहाँ हम देखते हैं ये प्राकृतिक सुंदरता है, यहाँ पर गायों का पालन पोषण भी आसान है, किनके मुकाबले, मुकाबले दिल्ली के, बेंगलोर के, मेट्रो सिटीज़ के, जो कि आपने जैसे यहाँ जंगल की बात की, वहाँ सीमेंट के जंगल हैं, वो सीमेंट के जंगल हैं, वहाँ पर गायों की रक्षा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो आप राज्य के स्तर पर किसको समझते हैं कि वो अच्छा काम कर रहा है वहाँ बहुत जल्दी गायों के लिए, मतलब सड़क पे गाय देखना भी एक बहुत मुश्किल चीज़ है, बिल्कुल अपराध है, दिखना ही नहीं चाहिए। देखिए मेट्रो सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं वही आपसे बताया कि गायों का गोबर का सदुपयोग हो, गाय के गोमूत्र का सदुपयोग हो, तो मेट्रो सिटी के बाहर अभी भी बहुत ऐसे, जैसे आप दिल्ली चले जाइए, कुछ गुड़गांव का क्षेत्र है, पानीपत की तरफ चले जाइए, अपने यूपी के तरफ आ जाइए, तो ऐसा नहीं है, एक सामूहिक स्तर पर प्रयास होना चाहिए, बड़ा प्रयास, जैसे हम सोसाइटी बनाते हैं वैसे गाय के लिए एक सोसाइटी बनाएं कि हमें शुद्ध दूध लेना है, जब हमें दूध लेना है तो हम, जैसे एक सोसाइटी है 500 लोग रह रहे हैं, 500 फ्लैट है बड़े बड़े दिल्ली नोएडा में आप देख रहे हैं, 500 फ्लैट है, अगर हमें दूध तो चाहिए, हम जब जान रहे हैं मजबूरी में कि हम जहर ले रहे हैं पैकेट में खा रहे हैं, घी के नाम पर जहर खा रहे हैं, तो एक ऐसा जागरूकता बुद्धिजीवी लोगों को होना चाहिए कि हम क्यों ना, जब हम सीवर टैक्स भरते हैं, जल टैक्स भरते हैं, भवन कर भरते हैं, तमाम सब टैक्स देते हैं, तो गायों के लिए हम दूध जैसे खरीदते हैं उस दूध को जहर ना खरीद करके हम सब मिल करके एक बड़ा फार्म हाउस हो जिसमें लोगों को भी रोजगार मिले, गरीब लोगों को भी रोजगार मिले और शुद्ध दूध मिले और गाय की रक्षा हो। महाराज जी ऐसा तो अमूल वगैरह ये पहले से करते आ रहे हैं। नहीं अमूल कर रहा है लेकिन अमूल की गारंटी नहीं है ना, पैसे का। हाँ ये तो भाव आपको जुड़ना चाहिए गाय के प्रति। आप जब पिकनिक मनाने जाते हैं एक दिन पिकनिक गौशाला में मनाइए, हम अपने गौशाला में जन्मदिन लोगों का मनाते हैं कि आप आइए जन्मदिन मनाइए, आप अपने माता पिता आपके नहीं है तो आप उनका पुण्यतिथि मनाइए, बच्चों का जन्मदिन मनाइए, आप शादी का सालगिरह मनाइए, तो कुछ हम कहते हैं कि आप 30 दिन नहीं दीजिए, महीने में एक दिन तो दीजिए भाई, 6 महीने में दीजिए, साल में 2 बार दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप जुड़िए गाय से, जुड़िए तो गाय की रक्षा होगी। आपकी बात में एक बात और ऐड कर देना चाहता हूँ कि यकीन यहाँ आकर ऐसा सुंदर दृश्य, इतनी सुंदरता, एक अजीब सा एहसास होता है, एक अजीब सा कनेक्शन बिल्ड होता है हमारा पर्यावरण के साथ, नेचर के साथ। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। तो अब आगे बढ़ते हैं कड़ी में, आगे क्या कुछ है वो हमारे साथ बने रहिए। कसम से जाने का मन नहीं है लेकिन हाथों में घड़ी है और घड़ी में समय, समय कहता है कि चलो दिल्ली। हाँ जाहिर सी बात है अपनी अपनी मजबूरियां हैं, दिल्ली वापस तो जाना पड़ेगा, लेकिन आज का मेरा दिन, आज का मेरा सफर बड़ा बेहतर था।
इस रिपोर्ट को करने के साथ जो हमें व्यक्तिगत रूप से जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो ये हैं कि हम चीज़ों को बड़ा करीब से महसूस कर पाते हैं। वो चाहे हम इंडस्ट्री में जाके लोगों से बात करते हों, चाहे फैक्ट्रीज में जाके लोगों से बात करते हों, चाहे हम कहीं जू में जाकर किसी से बात करते हों, सड़कों पर किसी से बात करते हों, लोगों के घरों में जाकर किसी से बात करते हों, लेकिन सच जो प्रकृति के पास आके जो एहसास होता है वो एहसास ही खास होता है। चलिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।